सदमा सिद्धांत की है, क्यों सिखां नूं इस सिद्धांत बारे समझण दी लोड़ है। नाओमी क्लेन कनेडियन लेखक द्वारा 2007 विच लिखी किताब द शॉक डॉक्ट्रिन विच सदमा सिद्धांत बारे गल कीती गई। किसे कुदरती जां मनुख द्वारा खड़ी कीती विपता दे समें विच ही असल बदलाव लिआंदा जा सकदा है। विपता दे समें विच उन्हां गल्लां दी वी मंजूरी मिल जांदी है जो आम हालात विच मिलणी असंभव हुंदी है। मिल्टन फ्रेडमन 1982। सदमा वड्डी सट जिस वक्त मनुख दा सारा ध्यान सट उपर चलिया जांदा है। मनुखी दिमाग अपनी विवेक बुद्ध संकल्प अते दृढ़ता नूं खो बैठदा है। सदमा सिद्धांत अनुसार यही सही समा हुंदा है जदों उस मनुख दे दिमाग नूं कोई दूसरे विचार नाल भरिया जांदा है। यह वर्तारा किसी एक मनुख नाल ही नहीं वापरदा सगों भाईचारियां ते समाजां नाल भी वापरदा है। मनुख सदियां तों एक दूजे नाल लड़ाई जां संघर्ष वेले तशद्दद अते वड्डी सट नाल दूसरी धिर तों अपनी गल मनवाउंदा आया है। जेकर कुदरती तौर ते सदमा पैदा ना होवे तां इह सदमा कई वार सरकारां द्वारा पैदा कीता जांदा है। नाओमी क्लेन मुताबक कुदरती जां युद्ध वर्गे विपता दे हालातां विच सदमे दा इस्तेमाल करके वड्डे कारपोरेटां द्वारा अपनी मर्जी नाल समाज विच वड्डे बदलाव लिआंदे जांदे ने। यूएसए वल्लों अपने लोकां नूं इराक अते इस्लाम विरुद्ध लामबंद करन लई 9/11 वर्गे वड्डे सदमे दा इस्तेमाल कीता गया। सिक्खां दे मामलिआं विच सरकार द्वारा वार-वार अजिहे सदमे पैदा कीते जांदे ने तां जो सिक्खां नूं जां सिक्खां दीआं संस्थावां नूं सरकार दी मर्जी अनुसार चलाया जा सके जां मन मर्जी दे फैसले करवाए जा सकन। टीजे कल्लूकारे नाल सिक्खां नूं वड्डा सदमा दित्ते जाण तों बाद सरकार ने अपने अनुसारी तब्दीलियां प्रवान करवा लईआं जिस विच पाणीआं दा मसला, गीतां दा रुझान, हथियारां दी धारणा, प्रवास, मिट्टी अते बोली आदि मसले शामिल हन। यही नहीं, टीजे कल्लूकारे तों बाद वी हुण तक सरकार अजिहे सदमिआं दे समें सिख रोह तों फायदा उठाउण दी कोशिश करदी रही है। ਕੀ ਸਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਦਮਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਾਰ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।